वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अजमे आलीशान जवां की आदत शो। मैं हूं आयशा तूर। मेरे साथ आज हैं चार कंटेस्टेंट्स। मुकाबला अभी शुरू हुआ है, हमने पहला राउंड शुरू किया, पहले कंटेस्टेंट्स की स्पीच सुनी। अब दूसरे की जो हमने स्पीच सुन ली थी ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन हमने जजेस के कॉमेंट्स नहीं सुने थे। Shall I come towards you guys? Ali, I'm a bit surprised क्योंकि मुझे लगता था कि आप उर्दू में बहुत proficient हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप struggle कर रहे हैं, language आपकी flow में नहीं आ रही थी, और again the same problem and even more pronounced कि आपने prepare इतना नहीं किया था कि आप paper के बगैर जो है उसको deliver कर सकते थे। फैसल, आप क्या कहेंगे content delivery के बारे में? मैंने पहले भी कहा था, किसी से लिखवाने में कोई हर्ज नहीं है, 110% किसी से लिखवा लें, कोई हर्ज ही नहीं है। बड़े बड़े लीडरों ने तकरीरें लिखवाई हैं, लेकिन समझे बगैर, महसूस किए बगैर अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो मतलब स्पीच सिंथेसिस सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, एक ही बात आई। मेहरीन, आप अग्री करेंगी बाकी जजेस के कॉमेंट्स से? आप की जो डिलीवरी थी वो बहुत ही बिल्कुल जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं टीचर के सामने, वो वाली डिलीवरी थी। और हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। आप लोग को फीडबैक इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट राउंड में अपनी कारकर्दगी को बेहतर कीजिए। इसको जहन में रखिए कि आप माशाल्लाह इतनी दूर आए हैं, चुने गए हैं, तो आप में सलाहियत है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जजेस। अब मैं बुलाऊंगी, मेरे ख्याल में हमारे कॉम्पिटिशन की सबसे कम उम्र कंटेस्टेंट हैं, सबा आइए। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आज की मेरी तकरीर का मकसद ईवान इक्तदार में बैठे उन लोगों को गफलत की नींद से जगाना है जो वोट लेते वक्त दिन रात खुदा में अवाम होने के दावे करते हैं, लेकिन इक्तदार की कुर्सी पे बैठते ही उनके दावे ख्वाब बन जाते हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल मुल्क के हालात देखकर ना सिर्फ उदास है बल्कि आइंदा एक अच्छी तब्दीली लाने की ख्वाहिशमंद भी है, जिसमें तसव्वुर पाकिस्तान की झलक भी नज़र आए और कायदे आज़म की अनथक मेहनत का सिला भी। अगर मेरे पास वज़ीर आज़म का ओहदा होता तो मैं इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाती। सबसे पहले गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत, हासिल किए गए ओहदे ख़त्म कराने के लिए मुझे खुद एक मिसाल बनती। अपनी जाती दौलत और ज़मीनें मुल्क के लिए वक्फ करती ताकि कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। सब इदारों में अहल और काबिल लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतें मिलती थीं। ऐसे तालीमी इदारे खोलती जहां सब यकसां तालीम हासिल करते, गरीब अमीर सब लोग एक जैसी तालीम हासिल करते और लाजमी होता उनके लिए तालीम हासिल करना। कुरान मजीद में भी ये लिखा हुआ है कि खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू सबा। जजेस जो हैं वो भी आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ आपने गलती की और कि आपने कहाँ अच्छी बात की। वील स्टार्ट विद यू मेहरीन, आप प्लीज सबा को बताएं कि उनका वो मौजू से करीब थी, टॉपिक सही था, बात इन्होंने सही तरीके से की। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, लवली सबा। और आपकी उम्र देखते हुए आपने जो स्टार्ट लिया बहुत ही क्रिएटिव अंदाज से लिया, बिल्कुल आपकी वो वाली स्पीच नहीं थी जो प्रिडिक्टेबल हो या घिसी पिटी हो, और उसमें आपकी झलक थी, आपकी सोच थी, लग रहा था कि आप जो कुछ कह रही हैं आप वही सोचती हैं। फैसल, आप क्या कहेंगे, आप मेरी इनकी बात से अग्री कर रहे हैं इस दफा या नहीं? अग्री कर रहा हूँ, बल्कि उससे ज्यादा कहूंगा, जब ये सामने आई थी तो मुझे डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता इन्होंने कमजोर की तो कैसे बताएंगे कि आप मतलब 12 साल की बच्ची को आप कैसे पूरी खबर देते हैं। तो बट यू नो व्हाट, यू हैव डन अस अ ग्रेट फेवर बाय बीइंग सो गुड। आई एब्सोल्युटली अग्री विद द अदर टू जजेस। आई सॉ सिंसेरिटी you know, in what you were saying and in your delivery, and that kind of you won our heart. Very good. Thank you. Thank you, judges. Varda,
आप फौरन चली जाओ एंड सब आप बैठ जाएं. वर्दा आप बजर का इंतजार करना, 2 मिनट्स शुरू होंगे, 30 सेकेंड्स के वक्त भी बजर बजेगा, विच मीन्स दैट आपका वक्त खत्म हो रहा है और आप जल्दी से विद इन 2 मिनट्स रैप अप कर लेना. मौजिस मुनसिफीन, मेरी तकरीर का मौजू ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की वजीर आजम होती, अगर मैं पाकिस्तान की वजीर आजम होती तो पूरी कोशिश करती कि मैं एक बेहतरीन लीडर साबित हूँ. मेरी नज़र में एक बेहतरीन लीडर वो है जो बेहतरीन इखलाक का हामिल हो और सच बोलता हो. एक लीडर को लीडर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है. मैं पूरी कोशिश करती कि एक ऐसी लीडर साबित हूँ जिसको देखकर कौम कुछ सीखे और नौजवान ये सोचें कि हमें बड़े होकर इन जैसा बनना है बल्कि इनसे भी अच्छा बनना है. मैं पूरी कोशिश करती कि जितना ज़्यादा हो सके मुल्क के लोगों से बातचीत करूं, उनकी मुश्किलात को सुनूं और उनका हल तलाश करूं. सबसे पहला काम जो मैं पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने के बाद करती वो ये है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी निज़ाम बनाती जो कि मुल्क के मफाद में हो. दूसरी बात ये कि मैं उन उसूलों या बुनियादी निज़ाम के अमली इकदामात का ख़ास ख्याल रखती. हमारे मुल्क में बहुत से कानून बनाए जाते हैं लेकिन अमली इकदाम बहुत कम का होता है. एक वज़ीर आज़म होने की हैसियत से मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी और मेरी बुनियादी जिम्मेदारी इन उसूलों और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए अमली इकदाम ही है. गरज ये कि अगर मैं पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होती तो मैं पूरी कोशिश करती कि एक ऐसी लीडर साबित हूँ जिसका नाम लेते हुए मेरी कौम का सर फख्र से ऊंचा हो ना कि शर्मिंदगी से नीचा. पाकिस्तान बाइंदाबाद. थैंक यू वर्दा. वील गो स्ट्रेट टू द जजेस, उनसे पूछते हैं कि उनके ख्याल में ये स्पीच अप्रोप्रियट थी, मौजू के करीब थी, इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो रेलेवेंट थे या नहीं. वील स्टार्ट विद अतिया. आई थिंक वर्दा वाज वेरी स्ट्रांग इन हर डिलीवरी एंड इन हर पॉइंट्स. आई लाइक द फैक्ट दैट यू पॉइंटेड आउट कि लॉज तो हैं लेकिन उनको जो है अप्लाई नहीं किया जाता है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट. आई थिंक यू काइंड ऑफ wasted a little bit of time by repeating the role model thing, which is what you started off with. You could have perhaps added a few more solutions, but I think by and large it was good. Thank you. Except for jab aapne ek beech mein kaha na infrastructure, to maine kalam uthaya ki do number kaatun, lekin aapne foran uska tarjuma kar diya, to mujhe acha laga ki ek lafz jo ki angrezi mein behtar lagta hai aapne foran usko samjha diya ki matlab kya hai. Uske alawa पाकिस्तान पाइंदाबाद आपने कहा, मुझे अच्छा, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि कहा. एक खलिश रह गई कि काश के परचम का वो सॉरी कौमी तराने की एक आधी लाइन के बीच में होती तो बड़ा मज़ा मुझको आता. वो रह गई और वो इसलिए खलिश रह गई कि इट वाज सो परफेक्ट कि आई विश वो भी हो जाता साथ में. वेल डन. थैंक यू. मेरीन, विल यू एग्री विद द अदर टू जजेस? आई थॉट इट वाज वेरी गुड. वर्दा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की है और उसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपने अपनी वॉइस का इंटोनेशन भी बदलती रही आप, उससे इंटरेस्ट पैदा होता है, मोनोटनी ख़त्म होती है. दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी जो आपकी बात लगी वो आपने ये कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म होगी तो आप लोगों की बातें सुनेंगी, विच इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट. थैंक यू. इट वॉज मैच्योर, इट वॉज सोफिस्टिकेटेड एंड आई थिंक यू डिड वंडरफुली. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू वर्दा. थैंक यू जजेस. हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी सिर्फ पहला राउंड हुआ है. दूसरा राउंड जो है उसमें मुकाबला सख्त हो जाता है क्योंकि मौजू जो है वो पहले से कंटेस्टेंट्स को नहीं दिया गया. अभी हमारे जजेस चूज करेंगे कि क्या मौजू है, किस जबान में बोलना है, कितना टाइम है. अगर आप पहली एपिसोड देख चुके हैं तो आपको डिटेल्स थोड़ी सी पता होंगी लेकिन अगर आप फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप www.azmealishan.com की वेबसाइट पर जाइए, आपको डिटेल्स मालूम हो जाएंगी. राइट नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक.